नमस्ते पीपल, सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है काफ़ी ज़्यादा स्नोवी डे, तो ये स्नोवी डे पे हमको लगाना है यहाँ पे अच्छा खासा साफ़ सफाई करने के लिए अपने आप को, और जैसे कि वहाँ पे भी वो स्नो ब्लोअर चला रहा है स्नो साफ़ करने के लिए। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने कभी स्नो साफ़ नहीं किया है। इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन कैनेडा। मे भी कुछ सालों बाद मैं पक जाऊँ और कंप्लेन करने लग जाऊँ, पर अभी के लिए ये सब है सामान, ये सब चीज़, ये सब स्नो जो मुझे साफ़ करनी है इससे पहले कि स्नो वापस पड़ना चालू हो जाए और अंधेरा हो जाए। अदरवाइज़ अगर स्नो साफ़ नहीं होगी तो ये पूरा जम जाएगा और फिर फिसलते हैं, गिरने का डर रहता है और इंजरी भी हो सकती है, अच्छी बात नहीं है, है ना। तो ये चीज़ें करनी है, तो जैकेट पहनता हूँ, शूज़ पहनता हूँ और स्नो ब्लो करना चालू कर देता हूँ। एंड स्नो साफ़ करने के बाद हमको जाना है पार्सल देने के लिए। कनाडा के इंटरनल में पार्सल सेंड करना है, तो वो पार्सल कैसे सेंड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कनाडा में हो और डोमेस्टिकली कनाडा में ही इंटरनली पार्सल या कागज़ कोई भी भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं और कहाँ भेज सकते हैं, लेट्स गेट टू वर्क। मतलब इतने साल इंडिया में रहने के बाद कनाडा में आके ये करना पड़ रहा है, आज फर्स्ट टाइम किया, हालत टाइट हो गई। मैं और मेरे फ्लैटमेट ने इतना साफ़ कर दिया है, पहली बार साफ़ किया मैंने तो आई थिंक ठीक ठाक ही काम किया, बट पसीना आ गया है। सो प्रोबेबली आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू लाइक इट, एंड बहुत मेहनत का काम है अनलेस और अनटिल कि तुम मशीन ले लो या कुछ कर लो, अदरवाइज हटाने के बाद ये पार्सल डिलीवर करना है, बट हमारी बस छूट गई है। सो नाउ वी हैव टू वॉक लाइक 2 किलोमीटर्स, ऐसे मुझे टोक के ले आना पड़ेगा इसको बस स्टॉप तक, फिर बस स्टॉप से दूसरे बस स्टॉप तक, फिर बस लेके हमको इसको पार्सल करना है। और बस इतनी सारी है यहाँ पे, इतनी सारी बस है, तो जस्ट हैव टू वॉक, और ग्राउंड भी क्लियर नहीं हुआ है और मैंने स्नो शूज़ भी नहीं पहने, तो शूज़ भी थोड़े गीले हो गए हैं, एंड वी हैव टू वॉक उतना सारा सादा का सारा। आई डोंट नो कितना किलोमीटर चलने के बाद इसको लेके गए हम स्टॉप पे कुरियर सर्विस पे, पर उसका कनाडा पोस्ट नहीं है, उसका प्राइवेट कंपनी का है विच कॉर्नर भी एक्सपेंसिव। उसने बोला $20-25 एक्सपेंसिव पड़ेगा कनाडा पोस्ट से करो, तो कैनेडियन पोस्ट से करने के लिए अब वहाँ अलग जगह पर जाना पड़ेगा। तो अगेन बाहर निकले हैं, बस का वेट कर रहे हैं एंड जा रहे हैं, मेरे जूते भीग चुके हैं, मेरे हाथ दुख रहे हैं, रियल लाइफ स्ट्रगल चल रहा है, वो भी ना मतलब स्ट्रगल होना भी नहीं चाहिए था, पर स्ट्रगल है, आई डोंट नो व्हाई। सो आज का एजेंडा पार्सल पहुंचाना इज सक्सेसफुल। कनाडा पोस्ट यहाँ पर होता है, शॉपर ड्रग मार्ट यहाँ पे जगह जगह पर है, ये वहाँ पे कनाडा पोस्ट मिल जाता है, तो उधर आए और 5.5 किलो समथिंग, 6.5 किलो था, 6.5 किलो के लिए $33 लगे हैं, विच आई थिंक इज़ अ ओके प्राइस। किसी भी प्राइवेट दूसरी जगह पर जाते हैं प्राइवेट कंपनी से करवाते तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता, इट वॉज़ ओके प्राइस। सो काम हो गया एंड हम घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, काम का हो, लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और मिलते हैं अब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, टाटा बाय बाय।